आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। विधायक योगेंद्र संघ एडीए वीसी ने शहीद स्मारक और पालीवाल पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और एडीए बोर्ड मेंबर नागेंद्र दुबे गामा की मांग पर शहीद स्मारक और पालीवाल पार्क की व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया के साथ पालीवाल पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने विकास कार्यों की तारीफ की। उन्होंने पालीवाल पार्क को इको फ्रेंडली पार्क घोषित कराने के लिए एडीए वीसी से जल्द ही पूर्वी और पश्चिमी द्वारों के निर्माण की मांग की, जिनका शिलान्यास सीएम योगी पहले ही कर चुके हैं। ये प्रवेश द्वार 30 फीट ऊंचे होंगे, जो इस पार्क के सौंदर्य में 4 चांद लगाएंगे। पालीवाल पार्क के पूर्वी द्वार का निर्माण तो अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी द्वार के निर्माण में विद्युत लाइन बाधा है, जिसको हटाने के लिए जल्द ही विधायक एमडी दक्षिणांचल से मिलेंगे। आज हमारे वीसी एडीए अपनी टीम के साथ थे। विकास प्राधिकरण के हमारे सदस्य श्री नगेंद्र प्रसाद दुबे गामा जी थे, मंडल अध्यक्ष भरत शर्मा जी, महामंत्री प्रेमदास जी, यहाँ के पार्षद हमने गुलाब सिंह जी, साथ में प्रदीप जी, जिन्होंने इस पालीवाल पार्क के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके साथ भ्रमण किया। और पालीवाल पार्क में जो विकास कार्य चल रहे हैं, योगा केंद्र बन रहा है, उस योगा केंद्र का निरीक्षण किया और उसमें जो कुछ और आगे काम करना है उन सारे कामों को करवाने की योजना है। और पालीवाल पार्क हमारा शहर का हृदय है। और जो विधान पड़ा हुआ था पिछले 5-7-8 वर्षों में, पालीवाल पार्क में जो लोग घूमने आते थे उन सब लोगों ने मिलकर इसको काफ़ी कुछ ठीक करवाया। विधायक ने पालीवाल पार्क पहुंचने से पहले एडीए वीसी और एडीए बोर्ड मेंबर नागिन दुबे गामा के साथ शहीद स्मारक का भी निरीक्षण किया। शहीद स्मारक में लाइट एंड साउंड शो के लिए व्यवस्थाएं करने के साथ ही लाइब्रेरी विकसित करने की मांग भी एडीए वीसी से की गई। इसके साथ ही शहीद स्मारक के बंद पड़े फव्वारे, बैठने की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग भी विधायक ने एडीए वीसी से की। ये बात सही है, लेकिन सरकार सरकार होती है तो अब बहुत वर्षों के बाद ढाई वर्ष में जो विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण ने इस पालीवाल पार्क के विकास के लिए जो एक प्रयास किए हैं, मैं निश्चित रूप से आगरा विकास प्राधिकरण के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, वहां के अधिकारियों को, कि उन्होंने पालीवाल पार्क का एक विकास किया है व्यवस्थित ढंग से। यहाँ योग केंद्र और जिम भी बड़ी मजबूत जिम बनी है, उसकी भी कुछ खामियों को देखा है, उन खामियों को के नीचे प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कच्ची मिट्टी रहेगी तो लोग योगा ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो समाज के सभी वर्गों के लिए ये पालीवाल पार्क, मैं समझता हूँ कि 1 महीने में ये जनता को समर्पित हो जाएगा। बहुत बढ़िया इस पालीवाल पार्क को बनाया गया है। सघन वृक्षारोपण और भी आवश्यक है, वो भी होगा। आपको बता दें कि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के प्रयास से आगरा के पालीवाल पार्क की दशा और दिशा में सुधार हुआ है। यहाँ ग्रीनरी विकसित करने के साथ ही पार्क के फुटपाथ और योगा स्टेचू का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पार्क में ओपन जिम की भी व्यवस्था कराई गई है। विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।